जब मैं छोटा था तो मैं अपने ताऊजी के पास रहता था। उनकी मतलब मेरी एक बड़ी बहन थी ताऊजी की लड़की, और हम तीन लोग हो गए, मैं, भैया और दीदी। दीदी सबसे बड़ी, वो क्लास 12th में थी, फिर उसके बाद भैया वो क्लास 10th में थे, मैं तब तक सेकंड थर्ड में था। तो ये आया क्रिसमस, और तब तक इतना सब कुछ नॉलेज नहीं था कि क्रिसमस पे क्या होता है, सिर्फ कहानी सुनी थी कि भैया जो अपने बचपन में अपने को स्कूल्स में पढ़ाई जाती है कि सेंटा क्लॉज आता है, गिफ्ट देता है, ये है वो है। हम लोग रहते थे एक सोसाइटी में, सोसाइटी वालों ने ही पैसे इकट्ठे करके एक आदमी को तैयार किया, मोटा जाड़ा कपड़े पहनाकर, और बोला कि भैया सबको गिफ्ट देने सभी बच्चों को। तो क्रिसमस की रात को सच में सेंटा क्लॉज आया हमारे घर पे, और गिफ्ट था रैप करके ज्योमेट्री बॉक्स देके गए। मेरा उतना ज्यादा विश्वास उस पे बन गया ना, मतलब मैंने कहा यार ये तो सच में होता है। और अब की बार तो मैंने कोई गिफ्ट मांगा ही नहीं, बिकॉज ऐसा बोलते हैं कि जो आप विश करते हो वो आपको मिलता है। मैंने कहा मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, तब भी ज्योमेट्री बॉक्स दे गया, क्यों ना कुछ जबरदस्त चीज मांगी जाए, अगले क्रिसमस का इंतजार करें। अगले साल फिर क्रिसमस आया, मैं इंतजार में था पूरी रात, बैठा रहा एकदम, टीवी देख रहे थे सब लोग, छुट्टियों का माहौल होता है। तो मैंने कहा इस बार क्रिसमस सेंटा क्लॉज भाई साहब आएंगे। मैंने मांग रखी थी साइकिल, मैं कहा अपने को साइकिल चाहिए भैया, और छोटी उम्र में जब हम छोटे होते हैं तो साइकिल से बड़ी चीज कोई होती नहीं दुनिया में, ठीक है। हाँ आजकल मोबाइल वगैरह हो जाते होंगे, बट उस टाइम पे आप यू कैन इमेजिन मी कि हाँ छोटे चिंटू सर, और सर आपने क्या मांगी, साइकिल। मैं बैठा हूं भैया साइकिल के इंतजार में। और उस बार सोसाइटी वालों ने वैसा कुछ बंदोबस्त किया नहीं, सेंटा क्लॉज चॉकलेट लेके भी नहीं आया। तो भैया बहुत देर हो गई, बैठे हैं, 12 बज गए, 1 बज गया। मैं कह यार ये तो 25 की 26 हो गई, सेंटा क्लॉज आए नहीं, लगता भूल गए इस बार हमारे घर का एड्रेस। छोटी सी चीज ही तो मांगी थी साइकिल, ज्यादा खर्चे वाली चीज भी नहीं मांगी। तो मेरी ये फीलिंग देखकर दीदी को समझ में आ गई कि भाई साहब ये नहीं सोएगा आज। फिर जैसे तैसे छोटे बच्चे हैं नींद आई जाती है। तो सुबह जब उठा तो मेरे तकिए के नीचे एक चॉकलेट रखी हुई थी, ठीक है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा चलो सेंटा क्लॉज आए तो थे, चॉकलेट दे के गए, क्या पता बाहर वाले कमरे में चेक करूं साइकिल भी रखी हो। मैं पूरे घर में साइकिल ढूंढ रहा, मैंने पूछा मैं साइकिल दे के गया था कोई रात को, मोटा ज्यादा आदमी जिसने लाल कलर के कपड़े पहने हो, बोले नहीं कोई नहीं देखे, चॉकलेट दे के गया। फिर जैसे जैसे बड़े हुए तब पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ होता नहीं है, जो आप विश करते हो वो विश एक ही इंसान पूरी कर सकता है, वो है आप खुद। छोटे बच्चों के ऐसे चलते हैं। तो आई होप एंड बिलीव कि आप लोगों के सेंटा क्लॉज हम लोग हैं, हम आपकी विश पूरी कर पाए, आप अगले साल एक बहुत बढ़िया बेहतरीन IIT INIT में हो, ऐसी मेरी विश है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों की विश पूरी